मुंब्रा शील में पहली बार आरके इंटरप्राइजेस आपके लिए लाया है टुडे ब्रांड 100% नेचुरल ऑयल, प्योर एंड हेल्दी, जो कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन में तैयार किया जाता है। इसके अलावा ओरिजिनल मसाले, फ्रेश आटा, मल्टीग्रेन आटा, सब कुछ नेचुरल अफोर्डेबल प्राइस के साथ कस्टमर की डिमांड पर आंखों के सामने मशीन से निकाल कर दिया जाता है। आपका अपना टुडे ब्रांड, असली खाएं, सेहतमंद रहें। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुंब्रा के मित्तल ग्राउंड के पास और आपको बता दें कि मुंब्रा शहर को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि मुंब्रा में जो है किस तरह से विकास का काम हुआ है, लेकिन असली विकास का काम हम आपको दिखाते हैं कि लोग किस तरह से गंदगी में जीने को मजबूर हैं। ये मित्तल ग्राउंड का रोड है और आप देख सकते हैं यहाँ पर चार दिन से कचरा यहाँ पर अंबार लगा हुआ है कचरों का। यहाँ पर लगभग चार दिन हो गया है यहाँ से जो है कचरा नहीं उठाया गया है। और जो स्थानीय लोग यहाँ पर आपको दिखाएंगे, शंकर मंदिर का इलाका है और यहाँ पर ये सोसाइटी है, इन लोगों की तमाम शिकायतें हैं कि यहाँ से काफ़ी बदबू जो है आ रही है। हालांकि इसके पहले भी यहाँ पर कचरा जो है रखा जाता था, लेकिन पर डे यहाँ से कचरा उठा लिया जाता था और साफ़ सफाई हो जाती थी, लोगों को तकलीफ़ नहीं होती थी। लेकिन पिछले चार दिनों से यहाँ पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। हम आपको दिखाएंगे कि जो आज रोड के किनारे तक, यहाँ से आप देखेंगे कचरा रोड के किनारे तक पहुँच गया है और भी शहर से जो है ऐसी छोटी छोटी जो गाड़ियाँ हैं इनके ज़रिए शहर से कचरा लाकर यहाँ पर डालने का काम किया जा रहा है। बहरहाल यहाँ से कचरा उठाकर बड़ी गाड़ियों से जो है दीवा डंपिंग ग्राउंड में लेकर जाया जाता था, लेकिन आखिर क्या वजह है कि अब जो है यहाँ से कचरा दीवा डंपिंग में नहीं जा पा रहा है। अभिषेक कंस्ट्रक्शन के जो सुपरवाइज़र हैं बापू मखरे साहब, वो यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। बापू जी, लोग काफ़ी परेशान हैं। ये रास्ता है, यहाँ से लोग चल के जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर रोड के किनारे ही ये डंपिंग क्यों लगाया गया है? नहीं, हमारी कंपनी आने से पहला ये है, हमको मालूम नहीं, क्योंकि हमको दो साल हो गए। हमारे से पहला क्रिस्टल थी और दूसरे लोग थे, उन्होंने यहाँ पे चालू किया है। अगर म्युनिसिपैलिटी हमको जगह देंगे तो हम यहाँ पे क्यों डालेंगे? म्युनिसिपैलिटी ने हमको जगह देना चाहिए। आखिर वजह क्या, चार दिन हो गया यहाँ पर कचरों का अंबार लगा हुआ है पूरा, आखिर क्यों नहीं उठाया जा रहा है? तो और छोटी छोटी गाड़ियाँ कचरा लेकर आ रही हैं, यहाँ पर डाल भी रही हैं और यहाँ से कचरा उठाया ही नहीं जा रहा है। ये जो छोटी छोटी गाड़ियाँ हर सोसाइटी से कचरा ला के यहाँ खाली करती है और जेसीबी डंपर से भर के वो दीवा डंपिंग खाली करने जाते हैं, मगर हालांकि ये बकरीद का लोड आया बीच में और उसके बाद में डंपिंग पे पूरा गाड़ियाँ चढ़ नहीं रही, गाड़ियाँ स्लिप हो रही। जो गाड़ी चार ट्रिप मारता था अभी वो दो मार रही है, तो इसके वजह से दो दो गाड़ी बोला तो भी एक आठ दस गाड़ी कचरा यहाँ पर है और हम लोगों को तकलीफ़ हो रही है। ये तो वो डंपिंग की वजह से, फिर भी लोगों को तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जो आप देख रहे हैं कचरों का अंबार, ये रोड तक यहाँ पर पहुँच गया है, तो ऐसे तो ये पूरे आधे रोड तक कचरा फिर आ जाएगा। नहीं, अभी यहाँ पे जेसीबी आएगी, अभी खाना खाने वालों ने छुट्टी किया है तो जेसीबी और डंपर यहाँ पे खड़े हैं, बस वो आने के बाद काम चालू होएगा। आजकल में हम पूरा कचरा उठा डालेंगे, यानी वहाँ गाड़ी पहुँच ना पाने की वजह से यहाँ पर कचरा। लेकिन ये रोड के किनारे, तमाम लोगों का ऑब्जेक्शन है कि आखिर रोड के किनारे क्यों यहाँ पर कचरा डंपिंग किया जा रहा है? नहीं, डंपिंग मतलब यहाँ खाली करते और यहाँ से उठाते, हम लोग यहाँ डिस्टर्ब करते और यहाँ से उठाते। हालांकि ये दो चार दिन में वो गाड़ियों का प्रॉब्लम है जो डंपिंग का, अभी भंडारली में डंपिंग नया बन रहा है तो ये तो हट जाएगा पूरा, मगर अभी दो चार दिन में हम ये दो तीन दिन में पूरा कचरा उठा डालेंगे। लोगों को तकलीफ है उसके लिए मैं खुद माफ़ी मांगता हूँ, हालांकि हमारा कोई ये नहीं वो गाड़ियों की वजह से, डंपिंग की वजह से, फिर भी मैं मुंब्रा का एक नागरिक हूँ, मेरी जवाबदारी, इसके लिए मैं लोगों को तकलीफ होता तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो आपने सुना कि जो बापू मखरे हैं उनका कहना है कि दीवा डंपिंग में जो बारिश होने की वजह से यहाँ से कचरा जो लेकर जाया जाता था
जो गाड़ियां दिन में 3 बार 4 बार 5 बार वहां पर जाकर कचरा डाल के आती थी वो वहां पर जो है फिसलन होने की वजह से 1 ही 2 बार जा पा रही हैं। इस वजह से यहां पर जो है कचरों का अंबार लगा हुआ है। लेकिन यहां पर जिस तरह से रोड के किनारे ये देखेंगे आप कि कचरे का जो ढेर यहां पर लगाया जाता है, यहां पर गाड़ियों से ला के छोटी छोटी गाड़ियों से लाकर कचरा उतारा जाता है, उसके बाद बड़ी गाड़ी में रखा जाता है। लोग जो है इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्यों ना आखिर जो है जो कचरा जो है डायरेक्ट शहर से लेकर उठाकर और जो है डंपिंग में डाला जाए, इस तरह से रोड के किनारे जो है कचरों को ना लगाया जाए। कैमरामैन हुसैन सुल्तान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।